ज्ञापन देखा उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये घाटे का सौदा होगा इसलिए लोग निवेश नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी और पूरी कांग्रेस कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं सौदा नहीं है, इलाज सौदा नहीं है, इलाज सेवा है। डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं लोग, जो जिसको जीवन देता है। हर इंसान के पास के साथ में किसी न किसी ऐसे डॉक्टर की सेवाएं होती हैं जो उस डॉक्टर को भगवान की तरीके से मानता है। ये सौदेबाजी नहीं है, कोई बात है। सरकार आज भी खुले दिल से विचार कर रही थी, भविष्य में भी अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो सरकार खुले दिल से विचार करेगी। लेकिन राइट टू हेल्थ पे आज बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि हम राइट टू हेल्थ बिल को पास करा पाएंगे। मैं कोई जादूगरी नहीं, सचिन पायलट ने बयान दिया है और आपको लेकर भी कहा है, आपके ऊपर जो कार्रवाई की बात की, जो बैठक हुई थी 24 सितंबर के दिन, उसको लेकर मैं भी क्या कहूँगा। देखिए, हाईकमान की एडवाइजरी है, मैं इस इशू पे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे रखे हैं कि राजस्थान के पार्टी की राजनीति के बारे में कोई भी विधायक कोई भी नेता बयान नहीं देगा, इसलिए मैं बयान नहीं दूंगा, कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि जादूगरी नहीं होती है, हाथ की सफाई है, असली नीली छतरी वाला असली जादूगर है, विधायक दल की बैठक होनी चाहिए। मैं उस पर टिप्पणी करना चाह के भी नहीं कर सकता क्योंकि एडवाइजरी। सर कहते हैं कहा डॉक्टर भगवान है, उन्हीं भगवान सर, लेकिन वो तो बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ तो आप अच्छे अच्छी योजना ला रहे हैं, अच्छे बजट ला रहे हैं, और बहुत बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो क्या कह रहे हैं इस बात को, वो और हाईकमान के बीच की बात है। विधायक दल की बैठक बुलाई जानी चाहिए क्योंकि उनकी मांग है कि 6 महीने हो गए। भाई मैं जब अपने पर एडवाइजरी लागू मान रहा हूँ तो मेरे को किसी पर टिप्पणी नहीं। सर कहा जाता है कि गहलोत के जो लोग हैं वो जब चाहते हैं तब बयान दे देते हैं, और जब अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एडवाइजरी की बात कह देते हैं कि एडवाइजरी ये है। मेरे ख्याल से कोई गहलोत गुट नहीं, कोई दूसरा गुट नहीं, सारा हाईकमान का गुट है, पूरी कांग्रेस एक है, हमारा ये मानना है। एक का यहाँ तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर खुलकर, क्योंकि देखिए अच्छा बजट दे रहे हैं, अच्छे 19 जिले बना दिए, फिर भी इस तरह के बयान कमजोर नहीं करेगी आपकी पार्टी को। मैंने कहा ना मेरे ऊपर एडवाइजरी के ताने हैं। एडवाइजरी सर आपके कैबिनेट कलीग प्रताप सिंह की है, उनके ऊपर लागू नहीं होती क्या? मेरे पे तो होती है, मेरे पे तो होती है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस के सभी नेताओं पे सब पे लागू होती है। ये बताइए, मेरे से किसी और की बात ना पूछें। सर जादूगरी नहीं होती है, हाथ की सफाई है, क्या अशोक गहलोत जादूगर है अभी भी आपको लग रहा है? भाई हम जितने भी, हाथ की सफाई भी अपने आप में एक जादूगरी है, जो हाथ की सफाई दिखाने वाले करते हैं वो आप और हम तो नहीं कर सकते, बाकी तो सबसे बड़ा जादूगर तो वो बैठा, उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। लेकिन जो अच्छा काम करे, लोगों का भला करे, लोगों को राइट टू हेल्थ देने की बात करे, लोगों की सुरक्षा की बात करे, वो इस जमाने में और बिना किसी स्वार्थ के करे तो उसको हम जादूगर ही माने। 2023 में फिर से जादू दिखेगा, 156 सीट का जादू दिखेगा, 156 सीट का। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर किया, अशोक गहलोत एक बार फिर से। AICC की बात है, वो स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि क्या है। मैं मेरी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ, क्या है मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई एज महेश जोशी, तो मैं अशोक गहलोत जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहूँगा, और बाकी चुनाव के बाद जो होगा विधायक मिलकर फैसला करेंगे, हाईकमान के निर्देश पर फैसला करेंगे। 25 सितंबर को जो कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं दुख है आपके अंदर, वो नहीं होना चाहिए। मेरे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, जब मैं एडवाइजरी अपने पर लागू मान रहा हूँ तो कुछ भी नहीं बोलूँगा। पंचायत में आप लोग गए थे कल, संयम लोढ़ा ने कहा कि जाति की बात करना, वो भी ऐसे लोग जो कि शपथ लेते हैं संविधान की, लोकतंत्र को कमजोर करना है। देखिए हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, ये सही है कि जब कभी भी जाति की समाज की बातें होती हैं तो कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जाति में समाज में, वो सारी जाति समाजों में,
जो अपने आप को उस जाति का और समाज का ठेकेदार मानने लग जाते हैं और अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक हद तक तो संयम लोढ़ा जी की बात ठीक है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करनी चाहिए, इस रूप में उनका भाव सर। आपकी पार्टी को सोम्या गुजर के मामले में, पाली की है जो नगर पालिका नगर परिषद चेयरमैन है, उसके मामले में कोर्ट से झटका लगा, हटा दिया था। अब आपकी पार्टी ने कल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, बिल पास कर दिया कि पार्षदों को हटाया जा सकता है, ये कितना सही है सर? चुने गए पार्षदों को इस तरह से